है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ओ खुदा है कहाँ रे तू। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, जब भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है, तो हम भाग दौड़ कर सिर्फ एक ही चीज़ और एक ही नाम को पुकारते हैं, और वो है परमात्मा। भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, बाबा जी कह लो, या किसी भी और नाम से आप पुकार लो, आप पुकार उसी शक्ति को रहे होते हो, उसी एनर्जी को रहे होते हो जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा, अपने कुछ कर्मों से या अपने कुछ लाइफ पर्पस या सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। डेली वीडियोस देखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर आजमाते हैं, और आपकी लाइफ पहले से काफ़ी शांत होने लगी है। अगर ऐसा होने लगा है तो मैं परमात्मा को ढेर सारा वाला ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेडिटेट बनाया आप लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार आ गई हूँ एक और प्यारा सा टैरो रीडिंग का टॉपिक लेकर के। और इस टैरो रीडिंग के टॉपिक का नाम होने वाला है व्हाट आर द गॉड प्लान्स फॉर यू, यानी परमात्मा की योजना क्या है आपके जीवन के लिए। या फिर आज हम ये बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले कल के लिए गॉड ने, यानी कि आप चाहे उन्हें जिस भी नाम से पुकारते हो, भगवान जी ने आपके लिए कौन से प्लान्स बनाए हैं, ठीक है? और एग्जैक्टली वो प्लान्स आपके कब स्टार्ट होने वाले हैं और किस तरीके से काम करने वाले हैं। सो आज की जो रीडिंग है वो टोटल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपसे रेजोनेट होगी, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि परमात्मा खुद चाहते हैं, स्वयं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और समझें और सीखें, ताकि अगर आप किसी नेगेटिविटी में हैं या किसी बोझ तले दबे जा रहे हैं या फिर असमंजस की स्थिति में हैं, ताकि उस चीज़ से आप बाहर आ सकें, ठीक है? सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और ढेर सारे वाली हैप्पीनेस गाइस। और आज की रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है, आज हम बात करेंगे गॉड प्लान्स फॉर योर लाइफ। सो नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल सिलेक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल फॉरेस्ट डेक मैं आप लोगों के लिए दो कार्ड्स निकालने वाली हूँ, ठीक है? दो डिफरेंट कार्ड्स, टोटल डिफरेंट कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड होगा आपका पाइल नंबर वन और सेकंड कार्ड होगा आपका पाइल नंबर टू, और आपने उन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है? इन कार्ड्स के ऊपर कुछ नंबर्स, कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उनके बारे में भी अच्छे से आप सोच सकते हैं, ओके? वाइल चूजिंग योर पाइल, ओके? और आज की रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ वो भी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप अपने पाइल का चुनाव करेंगे, आप टाइम स्टेम्प्स पे जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ से जा करके अपने टाइम स्टेम्प्स को आप कवर कीजिए और अपनी रीडिंग पे पहुँच जाइए। आप जैसे ही रीडिंग पे पहुँचेंगे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा योर कैरेक्टरिस्टिक्स और योर पर्सनालिटी, यानी कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी पर्सनालिटी कैसे हैं, ठीक है? एग्जैक्टली जो कार्ड आपने पिक किया वो आपसे क्या कहना चाहता है। अब जब ये दोनों चीज़ें अगर आपसे पॉजिटिवली 70 और मोर देन 70% रेजोनेट होती है, तो आप समझ जाएगा कि आपने बिल्कुल सही पाइल को चूज किया है, अदरवाइज आप दूसरी पाइल का चयन भी कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट विल बी मोर इजी। चलिए अब देखते हैं कि कौन से दो कार्ड्स निकल कर बाहर आते हैं। प्लीज स्पिरिट्स हेल्प मी फॉर पाइल मेकिंग वन एंड टू। वन एंड टू, ठीक है? वन एंड टू, आप अगर आप कार्ड्स के हिसाब से ना चयन कर पाए तो आप नंबर्स के हिसाब से, जैसे कि ये है वन नंबर और ये है टू नंबर, आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो देखें फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर इज अकॉम्प्लिशमेंट, द मेडिसिन राइट्स, ठीक है? कार्ड नंबर 12, कार्ड
कार नंबर 3 एक तरीके से अकॉम्प्लिशमेंट मेडिसिन राइट्स। ओके, सेकेंड पाइल क्या है? विंटर सोलिस्टिक बियर हाइबरनेशन कार नंबर 34 यानी कि 7। दोनों ही बहुत डिफरेंट कार्ड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। यू गाइस कैन हैव मेडिटेटेड ओवर द कार्ड्स। दोनों ही टोटल डिफरेंट कार्ड्स हैं, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। हेयर इज ह्यूमन पर्सनैलिटी, टू ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड जेंडर स्पेसिफिकली फीमेल है इस कार्ड के अंदर। ओके, फेमिनिन ऊर्जा बहुत है इस कार्ड में। एंड सेकेंड कार्ड अगर आप देखेंगे, सो वी हैव एनिमल स्पिरिट, बियर एनिमल स्पिरिट विच सेज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वी हैव स्टार इन दिस कार्ड, बट वी हैव स्टार प्लस मून इन दिस कार्ड। और ये वेदर कौन सा है इस कार्ड के अंदर, वी डोंट नो, बट इन दिस कार्ड नंबर 2 वी नो दैट वेदर इज कोल्ड, लाइक कूल वेदर है, विंटर्स की एनर्जी है। नाम ही अपने आप में विंटर सोलिस्टिक बियर हाइबरनेशन। ओके, सो गाइज यहां से इस तरीके से आप लोगों ने पिक कर लेना है। अगर आपको कार्ड अच्छे से समझ आ जाए, या अगर आपको कार्ड की एनर्जी अट्रैक्ट करे, आपको लेडी अट्रैक्ट कर रही है या बियर अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आप पिक कर ले। नहीं नहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना है। 1 या 2 आप पिक कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल गाइस, आप लोगों ने पिक किया है मेडिसिन राइट्स अकॉम्प्लिशमेंट कार्ड नंबर 12। इसका मतलब यू पिक दिस फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? इस कार्ड को आप लोगों ने पिक किया है, दैट मीन्स अब मैं आपको कुछ इस कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ें और कुछ कार्ड्स भी निकाल के आपको बताऊंगी, दैट दिस इज योर पर्सनैलिटी। ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग दैट व्हाट गॉड हैज प्लान्स फॉर यू। अब इस कार्ड को जब मैं देख रही हूं ना, तो सबसे पहली चीज मुझे यहां पर नजर आ रही है दैट आपका परमात्मा से या ईश्वरीय शक्तियों से ना काफी स्ट्रांग कनेक्शन है। अगर आप इस ऊर्जा को समझने की कोशिश करें दैट ये किस तरीके से ऐसे हाथों को ऐसे रख करके और हैप्पीनेस फील कर रही है, व्यक्त कर रही है, राइट? और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किस तरीके से ऊर्जाओं के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। ये जो है ना, ये कोई और नहीं है, ये यही है, ठीक है? ये यही है। नाउ व्हाट आई एम सेंसिंग हियर फ्रॉम दिस कार्ड इज आपका परमात्मा के साथ या पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ एक अलग ही तरीके का कनेक्शन है। चाहे आपके जीवन में जो मर्जी स्थिति, जो मर्जी परेशानियां चल रही हों, आप परमात्मा के साथ एक अलग कनेक्शन हमेशा महसूस करते हैं। इन फैक्ट माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी आपको ऐसा लगता होगा कि अब मेरी गाड़ी बहुत गंदी फंस गई है, मेरी लाइफ अब बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, डिस्ट्रॉय है, उसी डिस्ट्रॉयमेंट से जस्ट कुछ घंटे या कुछ मिनट पहले अचानक से कोई ऐसी फोर्स आती है और आपकी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देती है, तो आप शुक्रिया अदा करते हो, आप भगवान को ढेर सारा वाला प्यार करते हो, सकता है भगवान को बहुत सारी ऑफरिंग्स करते हो, ठीक है? रात को सोने से पहले आप परमात्मा का नाम लेते हो। सो बेसिकली देयर इज अ फोर्स बिहाइंड यू एंड इट इज द गॉड्स फोर्स। हो सकता है आपके एंजल्स जिनको उन्होंने नियुक्त किया हुआ है, जिनको गॉड ने नियुक्त किया हुआ है, आपके एंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं, आपके आर्क एंजल्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव ऊर्जा, किसी भी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ होती है। इन फैक्ट आई एम सीइंग कि आप पैदाइशी ही बहुत साइकिक हैं, या फिर ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल दैट आपके जीवन में कोई ऐसा टावर मोमेंट या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आई जिसने आपको इस लेवल से उस लेवल पर क्रिएट कर दिया तुरंत। आपको पता भी नहीं लगा कि आप कब इतने स्पिरिचुअली हाई हो गए। एंड वी हैव
पर्पल डार्क ब्लू कलर हेयर, दैट मीन्स डार्क ब्लू और ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर द कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स। अगेन द सेम थिंग कि आपका एक स्ट्रांग रिश्ता है परमात्मा से, आप जो परमात्मा को बोलते हो परमात्मा उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, इनफैक्ट आपको उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। एक्चुअली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। होता यह है गाइस कि हम जो इंसान है ना, जब भी भगवान से बात करते हैं भगवान हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, एवरी टाइम। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों को साइंस मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी ऑब्जर्विंग पावर डिपेंड होती है कि हम कितने हील हैं। ठीक है, अगर हम बहुत अच्छे से हील हैं, अगर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं, तो हम तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि हाँ ये भगवान की तरफ से वही मैसेज है जो मैंने सुबह प्रेयर करते वक्त, प्रार्थना करते वक्त उनसे मांगा था। लेकिन हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हमें 2 घंटे का टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए कि हम एक्सरसाइज कर लें, अच्छी डाइट ले लें, वहाँ पर हम परमात्मा से कैसे तो बात करें और किस तरीके से हम साइंस को ऑब्जर्व करें, इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। अगर आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं ना, पाइल नंबर वन पीपल, तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर कुछ नंबर्स की ऊर्जा भी मुझे नज़र आती है और मुझे यहाँ पर नंबर नज़र आते हैं, ऑब्वियसली बात है, 12, 15, 19, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31, 22, 21, 31,
बर्थ है या आने वाले समय में ये कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग रख सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माउंटेन्स बहुत पसंद है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीचेस बहुत पसंद है। स्पेशली माउंटेन की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, झरने, वाटरफॉल्स एंड ऑल। अकेले टाइम स्पेंड करना आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद आता है। हो सकता है पहले आपके साथ ऐसा होता हो कि आप बिल्कुल भी, आपको पसंद नहीं था अकेले रहना, लेकिन अब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं वैसे वैसे आप अकेले रहना पसंद करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट योर पर्सनैलिटी लिटिल, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द एनर्जीज कि हाँ भाई ये मेरी ही पाइल है, मेरी ही है बात, यहाँ पर मेरी ही बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने तीन कार्ड्स निकाले हैं और इन तीनों कार्ड्स को मैं आप लोगों के साथ में डिस्क्राइब करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्प्रेस, और फिर उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इनमें से कोई आपका जोडियक हो सकता है, या फिर आपकी ऊर्जा अभी एयर साइन एंड वाटर साइन के जैसे हो रखी है, कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वॉलेटाइल हो रहे हैं और आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलना चाह रहे हैं बट ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, ये अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, दैट आप 24/7 कुछ दिमाग में चलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऑल्सो आई एम सीइंग हेयर कि आपके ऊपर घर परिवार की या फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो दिस कार्ड डोंट शो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कि जिम्मेदारियों के तले, बोझ के तले कहीं ना कहीं दबे हुए हो और 24/7 कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। आज इसकी फीस देनी है, आज इसके इलाज के पैसे देने हैं, ठीक है, आज घर का किराया देना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। खुद के लिए जीना बिल्कुल बंद हो चुका है, खुद के लिए जीना बिल्कुल ख़त्म है। ऑल्सो आई एम सीइंग हेयर कुछ ऐसे बच्चे, स्कूल कॉलेज गोइंग कुछ ऐसे बच्चे जो अपने घर में चल रही आर्थिक स्थिति को लेकर के या तो परेशान हैं
या फिर वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि उनके घर वालों का हाथ बट सके. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सम पीपल जो कि कॉलेज या फिर जॉब गोइंग पर्सन्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको उतना नहीं पढ़ रहा है जितना उनको पढ़ना चाहिए. वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने सपने को थोड़ा सा और निखारने के लिए सोच रहे हैं, कुछ कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट. क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ साइंस हैं और यहाँ पर मैथ की और थीटा वगैरह एंड ऑल है. तो दैट मींस कि समहाउ यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, ओके, सो समहाउ आपका जो दिमाग है ना वो टोटली तप चुका है, बहुत कुछ सोच रहे हो आप. और पास्ट में जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो बट आपका नंबर नहीं आ रहा है, कुछ नंबर से आप रह जाते हो, या फिर आप घर में उतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो उतनी मेहनत करने के बाद भी, या फिर उल्टा आपको ऐसा लगने लगा है कि दैट मैं ही बोझ हूँ अपने घर वालों के ऊपर, मैं यहाँ पर ना कुछ उनकी सहायता कर पा रही हूँ ना मैं कुछ और कर पा रही हूँ, ठीक है. सो टोटल डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है. और ऐसा ही हो सकता है आपकी लव लाइफ में भी चल रहा हो. सो टोटली डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है विद द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स. आप अपने जीवन की अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा गतिशील इंसान हो रहे हैं. आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं हो पा रही हैं. सो दिस इज़ योर प्रेजेंट करंट एनर्जी, ठीक है. तो मैंने आप लोगों को जोडियक्स बताए हैं, कुछ नंबर्स बताए हैं, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए हैं कार्ड्स के हिसाब से, उस वाले कार्ड के हिसाब से एंड इस वाले कार्ड्स के हिसाब से. अब आपने चयन करना है कि भाई ये रीडिंग आप ही की है या किसी और की है, ठीक है. तो ये तो बात हो गई जी आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, प्रेजेंट एनर्जी के बारे में. नाउ लेट्स सी अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक. एंड टुडेज टॉपिक इज गॉड प्लान्स फॉर योर लाइफ. प्लीज ईश्वर गाइड करिएगा. हे परमात्मा, हे परमपिता जी, हे निराकार ईश्वर, गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. मैं हर डेक में से तीन तीन कार्ड निकालूंगी, ठीक है. आज मैं बहुत सारे डेक्स लेकर बैठी हूँ आप लोगों के लिए एंड मैं हर डेक में से 3 स्पेसिफिक कार्ड्स निकालूंगी. मैंने अभी कार्ड्स नहीं देखे हैं लेकिन किन्हीं 2 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा छुआ है अभी, वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगी. ये 2 चीजें मुझे नहीं पता कितनी आप लोगों के लिए है या नहीं है, क्योंकि ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होगी. तो किसी के लिए कुछ मैसेजेस हैं, किसी के लिए कुछ मैसेजेस हैं. लेट्स सी गाइस, वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स टुडे. चलिए देखें. तो पहला कार्ड है यहाँ पर द अनफिनिश्ड सिम्फनी, कार्ड नंबर 10. जबकि 10 नंबर अपने आप में कंप्लीशन है, इसका मतलब बताती हूँ. पहले मैं सारे कार्ड्स देख लेना चाहती हूँ. कार्ड नंबर 45 टाइम टू गो एंड कार्ड नंबर 3 बिटवीन द वर्ल्ड्स. हियर वी हैव 7 ऑफ कप्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस. यहां पर है द अनचेरिएटेड सी, क्लोज एनकाउंटर्स, विलिंग रिलीज.
हेयर वी हैव इविल आई प्रोटेक्शन, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, एनर्जी एंड कॉइन्स, दैट मीन्स गुड लक। यहां पर है आप लोगों के लिए एंगर, एजुकेशन एंड कार्मिक रिलेशनशिप्स। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने कार्ड्स दिख रहे हैं कितने नहीं, जो नहीं दिख रहे हैं मैं वो ऐसे आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर वन पीपल, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि किन्हीं दो चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अभी छुआ है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ आई एम सीइंग हियर फॉर यू ऑल इज़, आप लोग अपने लिए नहीं जी रहे हो। ये रियलिटी है कि आप लोग अपने लिए नहीं जी रहे हो और आपने अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल मार दिया है, ठीक है। जो मतलब आपकी हॉबीज़ है, चाहे आपकी हॉबी सिंगिंग है, ट्रैकिंग है, डांसिंग है, या आर्टिस्टिक आपकी हॉबी है, किसी भी प्रकार की कोई भी हॉबी है, लिखना, गाना सुनना, कहना, कुछ बताना, वट एवर द हॉबी यू हैव, आपने उस हॉबी को ना बिल्कुल मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। चाहे फिर वो निटिंग की हॉबी क्यों ना हो, कुछ बुनने की हॉबी क्यों ना हो, और इस तरीके से करने से ना आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ही जाओगे। नाउ परमात्मा के क्या प्लान्स हैं आपकी लाइफ को लेके, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी स्पिरिट हैं जो इस धरती पर आई है अपना कुछ बहुत ही बड़ा अनफिनिश्ड काम कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीशन के लिए आप इस दुनिया में हो, ठीक है। वी हैव अ कार्ड ऑफ अनफिनिश्ड सिम्फनी, कोई ऐसा काम है माई ब्यूटिफुल पीपल आप लोगों का जो कि आध्यात्मिक उन्नति प्लस आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ है। आर्थिक जगत का मतलब हो गया पैसे का कुछ, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये बहुत ही स्ट्रांग है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और आप वापस से अपने लोग अपने धाम आ जाओ, ठीक है। टाइम टू गो, क्योंकि आप बिटवीन द वर्ल्ड्स, दो वर्ल्ड्स के बीच में संभव फंसे हुए हो। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बार ऐसा भी महसूस होता होगा कि यार सब कुछ होते हुए भी एक सुनसानपन है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ, जैसे कि मैं कहीं और से बिलोंग करती हूँ, कहीं और की देन हूँ मैं। आप लोगों को हो सकता है ऐसा भी महसूस होता हो, ठीक है। सो बेसिकली यू आर हियर टू कम्प्लीट सम अनफिनिश्ड सिम्फनी, अनफिनिश्ड काम, कुछ अधूरा रह गया था जिसको आप पूरा करने के लिए यहाँ पर हो, काफ़ी टाइम से हो। परमात्मा भी चाहते हैं कि आप सब चीज़ों को ख़त्म करो और भागे भागे आप वापस से अपने धाम आ जाओ, ठीक है। लेकिन आप बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, ठीक है। बिटवीन द वर्ल्ड्स यू आर स्टक। नाउ फॉर दिस लाइफ डिवाइन की या परमात्मा की क्या योजना है, सबसे पहला तो ये मनी के इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत आएंगे, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर अब बताया भी था कि आर्थिक स्थिति के रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी है। सो फाइव ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स परमात्मा पैसे की परेशानियाँ दे दे के आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ। जब जिस चीज़ की हमारे जीवन में कमी होती है ना, तो हम उसकी इम्पॉर्टेंस के साथ साथ बहुत सारे लेसन उससे रिलेटेड सीख जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हो इसके पास, खुद के पास यह चाबी रखी है बट ये खुद नहीं निकल रही है। तो यही आपकी ऊर्जा है कि आपके पास परमात्मा ने ऑलरेडी किसी प्रकार का कोई चॉइस या किसी प्रकार की कोई एनर्जी दी हुई है, बट आप उस एनर्जी को ना फिक्स नहीं कर पा रहे हो, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप उस एनर्जी को ना अभी हाल फिलहाल देख नहीं पा रहे हो। एंड डिवाइन वॉन्ट्स टू टीच यू, डिवाइन वॉन्ट्स टू टेल यू अबाउट दैट एग्जैक्ट थिंग कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को सीख जाओगे ना माई ब्यूटिफुल पीपल, जब आप चीज़ों को सीख जाओगे, वी हैव अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस, और इसमें टाइम लगेगा आपको, जब आप अपने सारे लेसन्स लर्न कर लोगे। आई एम सीइंग विद द कार्ड ऑफ एम्प्रेस एंड सेवन ऑफ कप्स, आप अपने जीवन में किसी प्रकार की किसी ऐसी साइकिल को स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई ऐसा इनोवेटिव क्रिएटिव कोई ऐसा काम या कोई ऐसा बिजनेस जिसकी वजह से आपके जीवन में जो ये अनचेरिएटेड सी है, अनचेरिएटेड सी का मतलब ये है कि एक ऐसा समुद्र जिसके अंदर लहरें ही ना हो, एकदम स्टिल या स्टक, ओके। तो ऐसी जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की वो रिलीज होगी, ठीक है। परमात्मा आपको कुछ नया सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, अगेन कार्ड नंबर 10 कंप्लीशन, और आपकी जो नेगेटिविटी वो सारी की सारी रिलीज होगी
और आगे चल करके आप उस काम को लर्न करके लोगों का उद्धार करोगे, ठीक है, लोगों का उद्धार करोगे। ये कोई भी काम हो सकता है। सो बेसिकली परमात्मा का जो एक बिगेस्ट प्लान है आपको लेकर के, वो प्लान है आपको आर्थिक रूप से कमजोर करके कुछ ऐसे लेसन्स को लर्न कराना, या मैं ऐसा कहूँ कि वो कहावत होती है ना कि आविष्कार, क्या बोलते हैं उसको, आविष्कार की जननी है, क्या बोलते हैं उसको यार, परेशानी, या मतलब उसका जो कहावत का जो लॉजिक है वो ये है कि जब हमें किसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, तभी हम किसी प्रकार का कोई आविष्कार करते हैं, या आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यस, दिस इज द स्लोगन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो हम उसके अंदर उठा पटक करते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं। सो डिवाइन का जो प्लान है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर वन पीपल, वो यही है। आर्थिक रूप से अगर आपके जीवन में संकट चल रहा है और इस चीज़ को परमात्मा आपके जीवन में स्ट्रांगली प्रिपेयर करके कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, ताकि आप उस चीज़ से कुछ सीखें, सीख करके आप कुछ इम्प्लीमेंट करें, कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए, इनोवेटिव कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जिससे हजारों लाखों लोगों का भला हो, उद्धार हो, ठीक है। सो बेसिकली यू आर हियर टू कंप्लीट दिस सिम्फनी, टू कंप्लीट दिस प्लान। जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो पैसा कमा रहे हैं अपने घर में ही रह करके, कुछ इनोवेटिव उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ ऐसा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया एकदम स्मार्टनेस के साथ, दे आर अर्निंग। ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत है सो दैट आपकी लाइफ के अंदर बैटल्स जो है वो खत्म हो। डिवाइन ऑल्सो वॉन्ट कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे आप खुद तो इस आर्थिक संकट से मुक्त हो ही हो, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी इस आर्थिक संकट से मुक्त हो सकें, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको। सो डिवाइन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट एनर्जी इज प्रोपेलिंग योर लाइफ, एनर्जीज आगे बढ़ रही है आपके जीवन में, बस आपको बच के रहना इविल आय से। आपके जीवन में इविल आय बहुत आपको परेशान करेगी, तो इस इविल आय से जरूर बच के रहना है। अपनी जो भी आप तरक्की कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, डोंट टेल टू एनी वन सो दैट गुड लक विल कम इन योर लाइफ। अगेन 10 नंबर, तो 10 10 10, 10 10 10 बहुत है यहाँ पर, और 10 नंबर की एनर्जी कंप्लीशन को शो करती है, जिसका मतलब है कि आपके जीवन का समाव हो सकता है, यही उद्देश्य है। क्योंकि परमात्मा आपको एजुकेट करना चाहते हैं, आपके लाइफ से एंगर को खत्म करना चाहते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स को एक क्लोजर देना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें और आप अपना ये काम, ये कर्म कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो परमात्मा का ये प्लान है। अब आप ये सोचें कि यार इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, याद करो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बोला था, बी इनोवेटिव, ठीक है, बी आर्टिस्टिक। आप जितना आर्टिस्टिक होंगे, आप जितना इनोवेटिव होंगे, उतना ही जल्दी आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कोई भी प्लान आपके दिमाग में आ पाएगा और उसको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और जैसे ही आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में सब भला होता चला जाएगा। नाउ व्हाट इज बाबाज एडवाइस फॉर यू इज फेथ, भरोसा रखें, हैव फेथ, श्रद्धा अबोव ऑल एल्स। हमेशा आपको फेथ यानी कि श्रद्धा रखने की जरूरत है। आप जितना श्रद्धा रखेंगे उतना पॉजिटिवली आपका काम होगा। हाई हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। एग्जैक्टली वही चीज़ आई है यहाँ पर, वही एडवाइस आई है जो मैं अभी आपको दे रही थी। तो आप लोगों का काम ही है कि आप उन लोगों को संवारें, उन लोगों के जीवन को निखारें जो लोग आपसे कम फॉर्चुनेट हैं। इवन एडवाइस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक इज सोल्यूशन, देयर शेल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड, यानी कि आपके हाथ में ही वो सोल्यूशन मौजूद है। तो परमात्मा का जो प्लान है आपके जीवन को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट है। परमात्मा चाहते हैं कि आप कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे हजारों लाखों लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक जीवन मिल सके। क्योंकि आज अगर हम रोटी कपड़े मकान से दुरुस्त होंगे तो हम स्ट्रांगली और अपनी लाइफ को और आसपास के लोगों को सही कर पाएंगे। आज अगर आपके पास 4 रोटी है, तभी तो आपके घर पे कोई आया तो उसको 1 रोटी दे सकते हो कि 3 चल मैं खा लूंगी, 1 मैं इसको दे देती हूँ। लेकिन जब आपके पास ही पूर्ति नहीं है तो आप आसपास के लोगों का कैसे उद्धार करोगे? सो दिस इज वॉट डिवाइन्स प्लान फॉर यू, दिस इज वॉट गॉड्स प्लान फॉर यू, ओके।
आई होप आप इस चीज़ को बहुत बखूबी समझे होंगे, आपने इस चीज़ को एनालाइज किया होगा बहुत पॉजिटिवली। सो इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है अकम्प्लिशमेंट। आप कंप्लीट होंगे तो आप लोगों को कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर 10 10 10 बहुत ज़्यादा था, दैट यू नीड टू कंप्लीट दिस साइकिल सो दैट यू कैन कंप्लीट अदर्स लाइफ एज वेल। ओके, सो कार्ड नंबर 12 मेडिसिन राइट्स, और ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी जिसको कंप्लीट करके आप अपने लोक को, अपने धाम को वापस से जा सकते हो, लाइक टाइम टू गो। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूजेज दिस ब्यूटिफुल कार्ड नंबर 12 मेडिसिन राइट अकम्प्लिशमेंट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय द वे, इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो किया या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, रेकी फर्स्ट लेवल का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 88 पोर्टल, जिसकी लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन है 5th ऑफ अगस्त। तो अगर आप लोग मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं एंड हीलर बनना चाहते हैं इन जस्ट 7 डेज, तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, प्लस इट इज़ वेरी नॉलेजेबल, प्लस इट इज़ 100% एडवाइजेबल टू डू विद द फ्री अट्यूनमेंट। तो आप लोग आ सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 34, दैट मीन्स 7 नंबर केतु पीपल। और आप लोगों को पता है जितने भी केतु लोग होते हैं वो हाईली 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 स्मार्ट पीपल होते हैं। 7 नंबर, जिन भी लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी तारीख की 7, 25 है ना, 7 और 25th को होता है ना, और कहीं तो नहीं है 7 नंबर, 7, 25th, यस, और यस 16 उसको कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप में से किसी का भी जन्म या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है ना, सो गाइज आई मस्ट से these people are very highly highly intelligent, highly highly wisdom having person। इन लोगों का जीवन ना स्मार्टनेस के घेरे में कहीं ना कहीं घूमता रहता है, और वही नंबर यहाँ पर है 7 जो कि मुझे दिखाता है विजडम। सो somehow my beautiful pile number 2 people, you guys are very very smart। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर महसूस कर रही हूँ विद द कार्ड नंबर 34, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि सोया हुआ शेर नहीं होता है, सोया हुआ शेर, हल्का सा उसको टीस कर दिया, हल्का सा उसको परेशान कर दिया तो वो दहाड़ मार के बाहर आता है और सब लोगों को डरा के रख देता है, सब लोगों को झुरझुरी बंध जाती है उसके नाम से। तो उसी प्रकार के आप एक इंसान मुझे मालूम होते हैं। मैं इस कार्ड की एनर्जी आप लोगों को बता रही हूँ सो दैट यू कैन रेजोनेट विद द एनर्जीज। तो आप ही एक किस्म के ऐसे इंसान हैं जो कि हाइबरनेट करते रहते हैं। अब जैसे कि वो पोलर बियर्स होते हैं, वो जो बड़े बड़े जंगली भालू होते हैं, वो कोई कम होते हैं क्या? वो भी तो कितने तगड़े होते हैं, शेर से भी ज़्यादा तगड़े लगते हैं मुझे तो वो। तो लेकिन वो जब तक हाइबरनेशन के अंदर है वो है, वो शांत है, वो शांत है, लेकिन जैसे ही उनको छेड़ दिया गया या उनको पटक दिया गया, उनको हल्का सा भी टीज कर दिया गया, तो वो आकर के सब कुछ ख़त्म करके रख सकते हैं। सो दे आर वेरी वेरी स्केरी एज ऑलवेज। उसी तरीके के होते हैं 7 नंबर वाले लोग, और वही 7 नंबर की ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन लोगों का बर्थ 7, 25 और 16 में से हुआ हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको विंटर सीजन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर आप अपने मस्त अपनी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है, आप चिल करना पसंद करते हैं, आप बेवजह की बातें करना आपको पसंद नहीं है। यू गाइज आर वेरी मच इन योर ओन एनर्जीज, आपको किसी दूसरे की लाइफ में ताका झांकी वाला कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड यू गाइज लव अर्ली मॉर्निंग और द नाइट टाइम, ठीक है। एंड जब भी फुल मून न्यू मून आता है तो आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, या तो आप इमोशनली इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं कि अब आपको संभालने पे आप संभल नहीं पाते हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई पीक हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। सो विद द कार्ड ऑफ 34 विंटर सोलिस्टिक बियर हाइबरनेशन, आई एम सीइंग आप लोगों की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल ऐसी है कि छेड़ो मत, लेकिन अगर छेड़ दिया तो फिर आप गए, ऐसी वाली एनर्जी आप फीलिंग है। ओके, अब देखते हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों की एनर्जी। ये तो आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात हो गई, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी, ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि हाँ ये भाई आप ही की रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे की रीडिंग को पिक कर लिया। ऑल दो इट इज जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, प्लीज स्पिरिट्स बताएं फॉर द पाइल नंबर। ओहो, मैं जैसे ही नाम लेती हूँ ना, स्पिरिट्स आप बताएं, तो स्पिरिट्स बताती तो है, लेकिन स्पिरिट्स इतने सारे कार्ड्स एक साथ गिरा देती हैं। स्पिरिट्स दो या तीन प्लीज। देख रहे हो मतलब बॉटम ऑफ द डेक एम्परर एरीज, सो वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जोडियक्स आप लोगों के हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन जोडियक्स की जो एनर्जी है आप लोगों को काफी ज्यादा इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर महसूस हो रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा या तो इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा मेटरलिस्टिक हो रखे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट से, पैशन से भरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं इस वक्त। तो फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, सबसे पहले मैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखूंगी, चाहे फिर वो मनी की एनर्जी हो, चाहे फिर वो प्यार ना मिलने की एनर्जी हो, चाहे कोई भी दुख है किसी भी तरीके का। मैं यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड है तो सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि करियर की बात है, क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर ऊर्जा दे रहा है कि कोई सी भी बात हो सकती है जिसको लेकर के अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और आप उस चीज़ से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू योर करंट एनर्जी, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऑल दो यू हैव दोज कीज़ जिनको आप लगा करके दरवाज़ा खोल के और बाहर जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाहर जा ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा ऐसा महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, जबकि सोल्यूशन आपके हैंड टू हैंड ही है, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने चारों तरफ अपने आसपास एक दायरा बना लिया है, और उस दायरे से, उस बाउंड्री से ना बाहर आप जा पा रहे हो, ना किसी को अंदर एंटर होने की परमिशन दे पा रहे हो। और इस सिचुएशन की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ एक कुएं के मेंढक बन के रह गए हो, जो कि कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा, दैट मीन्स यू हैव द वेरी पॉजिटिव लॉजिकल अच्छी वाली एनर्जी, मदरली एनर्जी, बट आपने उस एनर्जी को भी सम हाउ किसी न किसी तरीके से खत्म कर दिया है, भान दिया है। तो आप कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी परेशानियों में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम ऑल दीज सिचुएशंस। आप किसी के पास भाग जाना चाहते हो, किसी के साथ रह लेना चाहते हो, और आप अपनी इन परेशानी वाली अनडिसाइडेड सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहते हो। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, विद देयर इंक्रीमेंट्स एंड सैलरी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि अपनी लाइफ को बस देख रहे हैं, अपनी लाइफ को बस चला रहे हैं, दे डोंट हैव दैट
स्ट्रांग पोटेंशियल, उनको वो स्ट्रांग पोटेंशियल उनकी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर ओन सेल्फ। तो ये आप लोगों की ऊर्जा है प्रेजेंट, वर्तमान ऊर्जा मैंने आपको बताई। अगर ये चीज आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है या फिर एटलीस्ट 40% रेजोनेट हुई है ना, ये वाली एनर्जी। सो नाउ दिस रीडिंग इज फॉर यू। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं परमात्मा का प्लान क्या है आपकी लाइफ को लेके, गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। मैं तीन तीन कार्ड निकालूंगी हर डेक में से, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे डेक हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा ये कार्ड टिक के क्यों नहीं बैठ रहा। ये आप ही की ऊर्जा है, आप टिक के नहीं बैठ सकते कहीं पर भी। बॉटम ऑफ द डेक नॉट फॉर यू, कार्ड नंबर 6। तो हो सकता है गाइस ये आप ही की ऊर्जा है कि आप एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते, आपके मन में ना बहुत कुछ चलता रहता है। दिमाग कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर लगा ही रहता है। Let's see few more cards and then last but not the least, क्योंकि हम guidance भी देखेंगे। चार cards आए हैं यहाँ पर, चारों को ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या आता है आप लोगों के लिए, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वी हैव कार्ड नंबर 27 एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, कार्ड नंबर 29 द ब्रेथ और ब्रीथ, कार्ड नंबर 51 मिल्क एंड हनी। यू हैव बिग सोल पर्पस। Now we have Four of Swords, Three of Cups, Ten of Cups, Eight of Wands। ठीक है, ये टैरो में से आए हैं कार्ड्स, चार कार्ड्स। Now we have It is what it is, Healing the Heart, Call of Muse, Healing the Heart, Healing the Heart। समझो अब इस चीज को। नेक्स्ट वी हैव लव, अगेन हीलिंग एंड कॉशन। जो कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे ना वो मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। देन वी हैव चिल्ड्रन, रेस्पेक्ट एंड सून। क्या बात है, नाइस। ओके सो पाइल नंबर 2 पीपल गाइस, एज आई एम सींग हेयर, आप लोगों को चीज़ों को शेयर करके बहुत अच्छा महसूस होता है। इन कार्ड्स की तरफ थोड़ी सी ऊर्जा डालते हैं पहले हम। आप लोगों को चीज़ों को शेयर करके काफ़ी अच्छा लगता है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है, ठीक है। इनफैक्ट आप कभी ट्राई करके देखना, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, कि आप किन्हीं ज़रूरतमंद लोगों के अंदर किसी चीज़ को बांटें, ठीक है, कुछ शेयर करें आप ज़रूरतमंद लोगों से, आपको इतना सुकून महसूस होगा ना, मैं क्या बताऊँ। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो गई है, ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे पॉजिटिव पावरफुल लाइट आ गई है, लोग कितने कितने अच्छे हैं, लोग कितने प्यारे हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 27 यानी कि 9 नंबर की ऊर्जा। अब यहाँ पर इसके साथ साथ है ब्रीथ का कार्ड और फिर है मिल्क एंड हनी।
आपको पता है परमात्मा आपको आपके जीवन में दुख तकलीफ पीड़ा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने जीवन की इस नेगेटिविटी से कुछ लेसन लर्न करके ऐसा बड़ा अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें जो कि सच में बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ शेयरिंग हैप्पीनेस एंड एजुकेटिंग पीपल, शेयरिंग हैप्पीनेस एजुकेटिंग पीपल, लोगों को उनके जजमेंटल एनर्जी से बाहर निकालना इज समहाउ योर सोल पर्पस एंड डिवाइन इज गिविंग यू लॉट्स ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ। हो सकता है कि आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार जज किया है ना, लोगों ने हमेशा आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, है ना, लोगों ने हमेशा आपकी किसी भी न होने की चीज़ की वजह से आपका मजाक उड़ाया है, ओके, और आप अपनी ही लॉफिंग्स में चले जाते हो, आप अपनी ही एनर्जीज में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, फोर ऑफ सोर्ड्स। बट What God's plans for you? पहले आपको सिखाएंगे, ठीक है, सिखाने के बाद आपको बनाएंगे महान और बड़ा। आगे चलकर के माय ब्यूटीफुल पीपल, परमात्मा की इच्छा है आप लोगों के लिए, परमात्मा का प्लान है आप लोगों के लिए कि आप कुछ ऐसा बड़ा करें कि सबसे पहले आप अपने आप को हील करें, दो दो जगह हीलिंग का कार्ड, आप अपने आप को हील करें और फिर उसके बाद आप लोगों को हील करें, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। मुझसे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने बोला था कि मैम जब सभी हीलर बन जाएंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा, हील किसको करेंगे। हीलर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को हील करें। देर इज़ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, आप अपने आप को हील करें। आप ये छोड़ दें अभी कि आप दूसरों को हील करेंगे, आप सबसे पहले खुद को हील करें। जैसे ही आप खुद को हील करेंगे, जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जाओं को समझेंगे, आप अपने पोटेंशियल पर काम करेंगे, पाइल नंबर टू पीपल, आप देख पाएंगे कि आप हील हो रहे हैं ऑलरेडी। और जैसे जैसे आप हील होंगे, परमात्मा आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे विच इज़ योर सोल पर्पस, जो मैंने आपको बताया। आगे चल करके ना आप इतना पैसा कमाएंगे या आपके पास इतना होगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकें जो कि स्पेशली फॉर ह्यूमंस बेबी और फॉर द एनिमल्स होगी, ठीक है। जैसे कि ये नहीं होता है लोग खाने का कुछ करते हैं, है ना, एक घर रसोई, मिड डे मील इज़ अ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, बट लोग आजकल करने लगे हैं जिसके अंदर आप 15 रुपये दो और आपको भरपेट खाना खाने को मिलता है, जिसके अंदर आप 5 रुपये दो आपको भरपेट खाना खाने को मिलता है, काइंड ऑफ। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, जन कल्याण के लिए आपका संभाव जन्म है, पाइल नंबर टू पीपल, और उस जन कल्याण को कंप्लीट करने के लिए आपको परमात्मा ने यहाँ भेजा है। परमात्मा का ये प्लान है आपको सिखाना है, आपको लेसन्स लर्न कराना है, आपको अपने पोटेंशियल से मिलवाना है। आपका पोटेंशियल यानी कि आपके अंदर हर चीज़ को कर गुजरने की जो हिम्मत है, परमात्मा चाहते हैं कि आप उस एनर्जी को फील करें, उस एनर्जी को समझें। जैसे ही आप उस एनर्जी को समझेंगे, परमात्मा आपके पास में एक डिसीजन या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाकर खड़ी करेंगे जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है आप और आपके कुछ फ्रेंड्स मिलके या आप और आपके स्पाउस मिलके, मतलब पार्टनरशिप में आप कुछ स्टार्ट करेंगे जो कि जन कल्याण लोक हित के लिए होगा, कुछ ऐसा जिसको लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने वाले हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ रेस्पेक्ट एट चिल्ड्रन, यानी कि आपके जो आगे आने वाले जनरेशन्स हैं वो उस चीज़ को करेंगी। टेन ऑफ कप्स, आप अपने स्पाउस या अपनी किसी फ्रेंड्स के थ्रू इस काम को करेंगे, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी। परमात्मा का ये प्लान है आपकी लाइफ को लेकर के, दिस इज़ वॉट डिवाइन वॉन्ट्स फ्रॉम योर लाइफ। और ऐसा करने के लिए, इन सब चीज़ों को इस तरीके से लेने के लिए, आपको सबसे पहले खुद के अंदर प्यार ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को आपको हील करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पाइल नंबर टू पीपल, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और परमात्मा आपको बार बार इस चीज़ के लिए ट्रिगर करते हैं। हो सकता है आप लोगों के मन में एक स्ट्रांग ऊर्जा हो कि मुझे बच्चों को गोद लेना है, उनको कुछ सिखाना है, या फिर आपको लोगों को खाना खिला के बहुत अच्छा लगता है, लोगों को गिफ्ट दे के बहुत अच्छा लगता है। सो जन कल्याण के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है, पाइल नंबर टू पीपल। यू आर नॉट सो कॉल्ड कॉमन मैंगो मैन और द आम आदमी जिसका जन्म हुआ है कि भाई वो अपने पास्ट के सारे ट्रिगर्स और कर्मास को कंप्लीट कर ले और फिर निकलता बने, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है।
परमात्मा चाहते हैं कि आप खुद हील हो, उस चीजों को समझें, आगे बढ़े, आप खुद को हील करें, ठीक है, और आप इस चीज को समझें कि यही है वो, इट इज व्हाट इट इज, यही है वो जो आपको करना है, कॉल ऑफ म्यूज। और उस वक्त ना, या उस समय जब आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन कर रहा होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, किसी प्रकार की छोटी सी जगह हो सकती है जहाँ से लोगों को खाना दाना या हीलिंग्स प्रोवाइड हो रही है। हीलिंग का मतलब सिर्फ सिर्फ मेडिसिन ही नहीं होती है, प्यार भी होता है, ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपकी रिस्पेक्ट तो दुनिया में बढ़ेगी, जो बढ़ेगी और जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, प्लस प्लस आपके आगे आने वाले बच्चे भी उस चीज को बहुत पॉजिटिवली क्रिएट करेंगे। सो दिस इज व्हाट गॉड्स प्लान फॉर यू। यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आते हैं, मैं उन नंबर्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। 9, 27, 18, 23, 5, 14, 6, 24, 15, 1, 28, 19, 7, 16 and 25. These numbers are specifically very important. ठीक है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आगे आने वाले समय में ये तारीखें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। Forms of divinity. The divine lives in everyone and everything. Treat all with respect. Again, the same concept, same guidance for you all. परमात्मा हर किसी के अंदर विराजमान है, परमात्मा हर किसी के अंदर रहते हैं, हर किसी को आपको उसी सेम डिविनिटी और रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इस ट्रीट करने के चक्कर में, चक्कर को आपने ऐसे नहीं समझना है कि कोई भी आया और आपकी परेशानियों को बढ़ा के चला गया, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, मिरेकल्स हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल्स इन योर लाइफ। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझ रहे होंगे, हाय राम, इतना बड़ा सोल पर्पज है, मैं तो कैसे ही कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ये सही नहीं है समहाउ। लेकिन आपको बोला जा रहा है मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, आप ट्राई करोगे तो बहुत कुछ अपने जीवन में देख पाओगे जो कि अनिभिज्ञ है। नेक्स्ट एडवाइस फॉर यू इज हार्ड वर्क, योर डेलीजेंटली एंड वर्क डेलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। आप अपना काम करते रहो शांति के साथ, आपको रिवॉर्ड परमात्मा की तरफ से जरूर मिलेंगे। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, दिस इज गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। तो अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज दिस, वट एवर आई टोल्ड यू इन दिस रीडिंग। अब इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए आया था दैट यू आर बियर, यू आर अ सोता हुआ शेर, ओके। तो जो भी इसको जगाएगा, फड़फड़ाएगा, ये तो भैया उसको फाड़ के रख देगा, मार के रख देगा। हे राम, कैसी आतंकवादियों वाली बातें कर रहे हो, बट इट्स रियलिटी। तो विंटर सोलिस्टिक बियर हाइबरनेशन का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि आप इस हाइबरनेटेड एनर्जी से बाहर आएं। आपने अपने आप को जो इतना गार्डेड अप किया हुआ है ना, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में ऊर्जा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही थी कि आपने जो अपने आप को इतना हाइबरनेट किया हुआ है, आपने जो अपने आप को इतना ज़्यादा अंदर संजो के रखा हुआ है, उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। आप जैसे ही उस चीज़ से बाहर आएंगे, वैसे ही आप देख पाएंगे एक अलग एनर्जी आपकी, जो कि आपको सभी लोगों से अलग बनाती है, ओके। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लगी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आप सभी लोगों को पता है कि मैंने रेकी का फर्स्ट लेवल स्टार्ट कर दिया है, और अगर आपको भी रेकी सीखनी है, अगर आपको भी 7 days में एक हीलर बनना है, खुद को हील करना है, सबसे पहले अगेन द सेम थिंग, पहले खुद को हील करना है हमेशा परमानेंट तरीकों से, और फिर लोगों को हील करना है, तो कम एंड जॉइन दैट बैच, क्योंकि जस्ट लिटिल 7 days के अंदर अंदर यू कैन बी द रेकी हीलर एंड इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल बिग यू नो हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। सो इट विल बी वेरी, इट इज़ एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल बाय द मनी एंड कम समय के लिए है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है विद द फ्री अट्यूनमेंट। तो आप आए और इसको ज्वाइन करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम। इसकी और डिटेल्स जो है रेकी कोर्स की, रेकी फर्स्ट लेवल की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, बट जल्दी करें अगर आपको ज्वाइन करना है तो, क्योंकि 5th of August इज़ द लास्ट डेट ऑफ दिस कोर्स।
सो लव यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन. प्लीज़ अपने गोल्स की तरफ ध्यान दें, ना कि उन चीज़ों की तरफ जो कि आपकी लाइफ में खराब है. लव यू ऑल.